बिना है सुराणा जी किसके बिना अपना काम होने वाला नहीं। राकेश जी सही बात। और अपनी जो जो प्रतिवेदना है, अपनी जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर, डेफिनेशन को लेके, टीपी को लेके, वो सारी चेंज करवानी है हमने। और इस समय जो अशोक जी गहलोत साहब जो काम कर रहे हैं उद्योगों के लिए, वो वाकई में सराहनीय है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार का बजट पेश किया गया। बिजनेसमैन को लेकर कई आवश्यकताएं भी बताई गई, लेकिन अब राजस्थान सरकार का भी बजट आने वाला है। ऐसे में उद्योगों से जुड़े हुए लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्या बदलाव चाहते हैं, और हाल ही में सरकार द्वारा एक नया एजेंडा तैयार किया गया जिसमें उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इन सभी बातों को जानने के लिए हम आज बात करेंगे यहाँ के उद्यमियों से। उन्हीं के परिचय से इस बात को जानेंगे कि आखिर उद्योगों में क्या कुछ नयापन होना चाहिए और बजट में वे क्या कुछ चाहते हैं। हमारे साथ गोपाल जी हैं, आप बात करते हैं आपसे। और हमारी एक समस्या है ट्रांजिट पास की, तो उसको लेकर हमने डीएमजी साहब से चर्चा करी है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साहब जो इस राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे रिप्स की योजनाएँ लाए हैं और इन्वेस्टमेंट सबमिट्स कर रहे हैं, तो डीएमजी साहब ने से हमने यही कहा है कि जो ट्रांजिट पास की जो व्यवस्था आपने 3 साल पहले लागू करी थी, उसमें आए दिन हमें समस्या आ रही है, तो क्यों नहीं इसको टीपी ट्रांजिट पास को ही समाप्त कर दिया जाए। एक्चुअली ट्रांजिट पास जो मिनरल उद्योगों पे लागू करी गई थी, दैट वाज फॉर ये जो चोरिया इलीगल माइनिंग है उसके लिए करी गई थी, तो उसको ही उनको जो इसमें नाके बढ़ा दें या विजिलेंस बढ़ा दें या उसके ऊपर सख्ती कर दें, इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान डाल दें, कारावास का प्रावधान डाल दें, बजाय उनको इलीगल जो चोरिया जो कर रहे हैं मिनरल्स की, क्यों नहीं उनको आप पकड़ लेते हैं, क्यों हम पाउडर उद्योगों को आपने इसके अंदर इन समस्याओं में आपने डाला है। तो उन्होंने डीएमजी साहब ने हमारी इस बात को माना है और ये रिकमेंडेशंस जो हैं मुख्यमंत्री साहब को वो भेजेंगे, या जो सेक्रेटरीट है जो खान मंत्री साहब को और खान सेक्रेटरी जो हैं उनको सुबोध जी अग्रवाल साहब को भेजेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार इस बजट में और इस जो नई माइनिंग पॉलिसी आ रही है उसके अंदर ये ट्रांजिट पास को ये पूरी तरह समाप्त कर देंगे, ऐसा हमारा मानना है। मैं ओम प्रकाश नागदा, काफ़ी लंबे टाइम से ये सरकार द्वारा जो टीपी व्यवस्था इसमें लागू करी गई थी प्रोसेस प्लांट में, जबकि टीपी का काम माइनिंग में होना चाहिए, केवल माइनिंग प्रोसेस के लिए होना चाहिए, माइनिंग में चोरी रोकी जाए या माइनिंग में किसी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है उसको रोकने के या ट्रैक करने के लिए जो टीपी व्यवस्था लागू की थी, वो इन प्रोसेस प्लांटों पर इन्होंने सरकार ने जबरदस्ती थोपी थी। उसके लिए पिछले काफ़ी लंबे टाइम से पिछले जो निदेशक महोदय थे उनसे भी हमने निवेदन किए थे इसको हटाने के लिए, और अभी भी हमारी सरकार से और जो निवेदन यही है कि इसको टीपी को पूर्ण रूप से ख़त्म समाप्त किए दिया जाए। अभी भी आज भी निदेशक महोदय से निवेदन किया है कि इसको समाप्त किया जाए, तो उनका आश्वासन मिला है कि हम सरकार से अनुशंसा करेंगे इसकी कि इसको समाप्त किया जाए या इसमें जो भी संशोधन हो सकता है वो किया जाए। सुरेश कुमार जैन, पैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हमारी माइनिंग इंडस्ट्रीज और मिनरल प्रोसेसेस दो अलग अलग इकाइयाँ होती है, जैसे मार्बल में और मार्बल प्रोसेस अलग अलग इकाई होती है, वैसे मिनरल खनिज एक अलग चीज़ है और मिनरल पाउडर एक अलग चीज़ है। पाउडर फैक्ट्री जो औद्योगिक उत्पादन है और जो खनिज है वो माइनिंग उत्पादन है, तो इसको सरकार ने क्लब कर दिया है, पाउडर को और मिनरल को एक ही डेफिनेशन में लेते हुए एक क्लब कर दिया। तो हमारी जो डिमांड है उद्योगों की वो है कि जो उसको जो क्लब किया गया, मिनरल पाउडर को अलग रखा जाए और खनिज को अलग रखा जाए। अगर ये खनिज को अलग कर देंगे जो डेफिनेशन में दिया गया है मिनरल इंडस्ट्री की डेफिनेशन में, कि जो खनिज को खनिज की तरह से ट्रीट किया जाए और पाउडर इंडस्ट्रीज है वो उद्योग है और उद्योग डिपार्टमेंट से संचालित होता है, तो उसमें डेफिनेशन में जो डीलर्स में हमको पाउडर वालों को शामिल किया गया उसको अलग किया जाए, और ये जो टीपी व्यवस्था जो पाउडर इंडस्ट्रीज के ऊपर भी लागू की है उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, हमारा ऐसा सरकार से निवेदन है। सरकार ने उद्योगों के लिए अभी एमएसएमई को सरकार ने काफ़ी सपोर्ट कर रही है, और उन्होंने रिप्स जो स्कीम जो गवर्नमेंट की है 2019 की, उस स्कीम के तहत काफ़ी बेनिफिट्स जो अगर कोई नई इंडस्ट्रीज लगाता है उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन है, बहुत सारे एग्जम्पशन दिए हैं। और अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने हर जिले पर ये राज इन्वेस्ट करके एक कैंप लगाए हैं, और प्रभारी मंत्री सभी जिलों में प्रभारी मंत्री गए हैं, अलग अलग मंत्री गए हैं, और उन्होंने
गवर्नमेंट को इस पॉलिसी को और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ प्रपोजल्स रखे हैं, उसके ऊपर मंथन चल रहा है और उद्योग भी उसके समर्थन में खड़े हैं और चाह रहे हैं कि हम कोई अच्छा प्रपोजल लेके आवे तो गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं रोहित मेहता, अध्यक्ष BCCI बिछवाड़ा चैम्बर एंड कॉमर्स। खनिज विभाग और खनिज मंत्रालय, इसका केवल प्रव्यू जो है वो खनिजों तक होना चाहिए, माइंसों तक होना चाहिए। माइन से जब माल निकल गया, अगर इनको चोरी रोकनी है तो वहीं रोक लेनी चाहिए। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक माइंस से हमारी फैक्ट्री पे माल आता है। फैक्ट्री हमारी डिफरेंट एक्ट में कवर है, फैक्ट्रीज एक्ट भी है, उसके साथ GST है, ईवे बिल है। हम बहुत सारे माल को मिक्स करते हैं, फिर ब्लेंडिंग करते हैं, उसके बाद माल को बेचते हैं। लेकिन जब खान विभाग खानों पर चोरी नहीं रोक पा रहा है, इनकी विजिलेंस टीम भी है, इनके चेक पोस्ट भी बने हुए हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती अननेसेसरी जो करीब 15-20 हज़ार डीलर है पूरे राजस्थान में, उनको इस परव्यू में लाए। पहले तो 3 साल पहले इन्होंने सबसे पहले तो TP लागू करी। हमारा TP से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम ईवे बिल ऑलरेडी दे रहे हैं। एक तरफ सरकार मान रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाओ, हम उद्योगपति की श्रेणी में आते हैं और उनको चोरों की श्रेणी में ला के खान विभाग अपनी चोरी बचाना चाह रहा है। जबकि मेनली जो कुछ है खान विभाग का वो खानों के ऊपर और माइंस, लेकिन माइंस मालिकों के साथ इनका बिल्कुल गठजोड़ है, वो सबको जग जाहिर है। उसको छुपाने के लिए उन्होंने ये छोटे छोटे जो डीलर है, 2-2, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की जिनकी कमाई है, उन सबको परव्यू में लाके और उनको परेशान किया जा रहा है। और उस पर इन्होंने अभी 3 तारीख को 25 हज़ार रुपये एवरी ईयर चार्जेस लगाया है, जो बिल्कुल भी इतनी कमाई नहीं होती है। उससे ज़्यादा उस आदिवासी एरिया में तो आप कभी आके देखिए कि कमाई होती भी है क्या 25 हज़ार की। तो डूंगरपुर ज़िले में करीब करीब 60 फैक्ट्रियाँ इनके इस डिसीजन से बंद हो गई है। तो अब क्या कानून व्यवस्था की स्थिति रहेगी, कैसे वहाँ रोज़गार मिलेगा, ये है कि अब बजट से पहले सरकार से पूरी उम्मीद है कि आज हमारी जो मुलाकात हुई है और हम CM साहब से भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ खनिज पास व्यवस्था लागू की गई है। ये केवल छोटे छोटे मिनरल व्यापारियों पर लागू की गई है, क्योंकि हम लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं है, इस कारण से हमें सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा जो अगर जो मिनरल उद्योग है वो संख्या के हिसाब से मार्बल और ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग उद्योग है, तो उनको तो इस पूरी व्यवस्था से छोड़ दिया गया है और छोटे छोटे व्यापारियों को आए दिन परेशान किया जा रहा है। इस कारण से हमारे कई मित्रों के ऊपर 1-1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लग गई। अब उदाहरण तौर बताया जाए, जैसे कि जो मार्बल खनिज है, अब मार्बल खनिज के स्लैब और टाइल्स पर तो किसी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं है, वो आप चाहें जिस विदाउट ट्रांजिट पार्ट बेच सकते हैं। पर उसी खनिज का जो कचरा है, जो अवशिष्ट है, जिसको फैक्ट्री वेस्ट कहते हैं क्रेजी खंडा, जिसको निस्तांतरण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कई प्रकार योजना बनाती हैं, उस अवशिष्ट को हम लोग फैक्ट्री वाले हमारी फैक्ट्रियों में लाके उसको ग्राइंड करके और किस प्रकार से बेचते हैं और उस पर सरकार को GST भी देते हैं। हम उसको खरीद भी रहे हैं, जिससे राजनगर और आसपास के क्षेत्र में रोज़गार मिल रहा है, ट्रक वालों को रोज़गार मिल रहा है, मजदूरों को रोज़गार मिल रहा है, हज़ारों लोग उससे जुड़े हुए हैं। उस वेस्ट खनिज को हमारी फैक्ट्री में लाके प्रोसेस करके उस पर सरकार को GST भी दे रहे हैं, मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। ये सब करने के बावजूद भी हमें को परेशान किया जा रहा है और मैं बिल्कुल भी इसमें संतुष्ट नहीं हूँ सरकार की इस प्रकार की नीतियों से। ये उद्योगों के लिए परेशान करने का कदम है और सरकार को जो औद्योगिक विकास की बात करी है, सब एक छलावा है। हम ग्राउंड रूट पर सब कुछ भी नहीं हो रहा।